आकाश कुमार सिंह को। आकाश कुमार सिंह को कौन पार्टी से है? कांग्रेस। कांग्रेस से है तो आकाश सिंह को कहाँ चुन रहा है? युवा है, इसलिए युवा है और युवा के हित में मैनिफेस्टो जो आया है एकदम दिखा रहा है। मोदी जी तो खाली वादा करके मुकर जाते हैं, विकास तो दूर की बात है, वो तो हमारे गांव में आज तक आए ही नहीं है। आए ही नहीं है दस साल में, दस साल में एक भी बार। के चांद नानू है, वही तो लग रहा है कि ईद का चांद हो गए हैं, दिखाई ही नहीं देते हैं। इस बार मोदी का पत्ता साफ हो चुका है और भारी बहुमत से पूरे भारत वर्ष में महागठबंधन इंडिया अलायंस का सरकार बनने जा रहा है। कजिया खाने आते हैं सिग्रीवाल जी? हाँ सिग्रीवाल जी खाली कजिया खाने आते हैं, अभी विकास के काम में नहीं आते हैं। अच्छा बिया वाला खाते हैं? अरे बहुत बहुत कम। सिग्रीवाल जी को जो आदमी है तो उन्हीं के पास जाते हैं और दूसरे के पास नहीं थे। एनडीए की सरकार है यानी के दो टर्म से है, 14 से लेकर के 24 तक। आने से पहले कहा गया था कि साल में 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में सब आया। चाचा कहने दे रहे हैं इंडिया अलायंस को? इंडिया अलायंस को दे रहे हैं। कितना वोट से जिता रहे हैं? रिकॉर्ड मोड से जीतेंगे। रिकॉर्ड मोड से जिताइएगा ना? 60 से ऊपर जो लोग थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनको छूट मिलता था, रिजर्वेशन यानी कि रेलवे वेलवे में सफर करते थे। अब मिलता है कि ना मिलता? अडानी अंबानी को सब पैसा दे देता है देश का, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कह रहा है कि जो भी पैसा है जो अडानी अंबानी को देते हैं हम जनता को देंगे। 2014 में जब आए थे मोदी जी तो वादा किए 2 करोड़ रोजगार, ढेर हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार बोले थे। एक सिलेंडर वाली बाई भी आई थी भाई। हाँ सिलेंडर वाली, BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बेचा बाकी क्या है? गेल बेचा भेल। हाँ गेल बेचा सेल बेचा, फौज तक के लिए नहीं छोड़ा। 80 करोड़ के घोटाला किया था कौन? अजीत पवार बोले, चक्की पिसिंग चिसिंग बोल रहे थे ना, जैसे उनके पार्टी मिल गया एक दिन वॉशिंग मशीन में ले गए, डुबाए धोल के बस झुका दिए। भैंस लेके जाएगा, मुद्दा है क्या है उनके पास? ना मुद्दा पढ़ाई की है, दवाई कमाई सिंचाई और पढ़ाई, ये मुद्दा है इंडिया गठबंधन की, यही मुद्दा। नमस्कार, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है उसी प्रकार से चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। रात के दस बज रहे हैं और इस समय यहाँ पे आम आवाम इकट्ठा हुई है, मसानी पंचायत में है और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम युवा आपको दिख रहे हैं। 25 तारीख को महाराजगंज लोकसभा में चुनाव होने हैं और आज आपका 17 तारीख यानी कि कुल मिला जुला करके बात करें तो 8 दिन बच गया है। यहाँ पे बात करेंगे कि जनता का क्या मिजाज है, जनता किसको अपना सांसद के रूप में चुन रही है, क्योंकि यहाँ बात करें तो टोटल 6 प्रत्याशी है जिसमें मुख्य धारा में 2 प्रत्याशी को गिना जा रहा है। एक तरफ वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह। युवा है, लोगों के बीच जा रहे, जन समर्थन मांग रहे और यहाँ देखिएगा तो मैक्सिमम जो है वो युवा ही है। युवाओं के अंदर एक आक्रोश हर जगह जहां भी हम जा रहे हो देखने को मिल रहा है। अग्निवीर की बात की जा रही है, युवाओं के अंदर जो आक्रोश है अग्निवीर को लेकर के है। 17, 17.5 में ज्वाइन करेंगे, 22 साल में रिटायरमेंट कर जाएंगे और 22 साल के बाद आखिरकार करेंगे क्या, इस चीज को राहुल गांधी भी अपने स्तर से उठा रहे हैं और जगह जगह बात भी कर रहे हैं। फिर आइए इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों का क्या मिजाज है, किसको चुनना चाहते हैं, किसको सांसद चुन रहे हैं? आकाश कुमार सिंह को। आकाश कुमार सिंह को कौन पार्टी से है? कांग्रेस। कांग्रेस से है तो आकाश सिंह को कहाँ चुन रहे हैं? युवा है, इसलिए युवा है और युवा के हित में मैनिफेस्टो जो आया है एकदम दिखा रहा है। मोदी जी तो खाली वादा करके मुकर जाते हैं, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी काम करेगा। हाँ गठबंधन काम करेगा, काम करे, इंडिया गठबंधन काम करेगा। अच्छा यहाँ वर्तमान सांसद सिग्रीवाल जी है, विकास वकास किए हैं कि ना? विकास तो दूर की बात है, वो तो हमारे गांव में आज तक आए ही नहीं है। आए ही नहीं है दस साल में, दस साल में एक भी बार। के चांद नानू है, वही तो लग रहा है कि ईद का चांद हो गए हैं, दिखाई ही नहीं देते आते भी। आइए और भी है, युवा है, देखिए एकदम क्या कहिएगा, किधर के चुन रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगभग 10:30 बज रहा है रात और कवरेज आप कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि इस बार मोदी का पत्ता साफ हो चुका है और भारी बहुमत से पूरे भारतवर्ष में महागठबंधन इंडिया अलायंस का सरकार बनने जा रहा है। सबसे पहले आपको 400 पार वाले नारे को बोलना चाहते हैं। भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं कि 400 पार 400 पार 400 पार। हम ये बताना चाहते हैं
कि हमारे गांव में साड़ी बेचने वाला आता है। अच्छा, साड़ी बेचने वाला आता है। हाँ। तो पहले बोलता है कितना दाम है, तो 400 रुपया। हाँ। 400 करते करते ठीक है 350। हाँ। 350 बोलते बोलते बोले ठीक है 300। हाँ। उसी तरह करते करते 250 पे आते आते बोलते ठीक है 150 में ले लीजिए। हाँ। तो 150 में दे देता है। तो वही बात है, 400 बोलते 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 150 पे आंकड़ा आने वाला है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। इंडिया गठबंधन का नहीं, नहीं एनडीए का। आप लगता है बीजेपी वाले हैं? ना ना ना, वैसे तो बोल रहे हैं बीजेपी है। हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस, आपसे पूछ रहे हैं। हम बात बोले इंडिया अलायंस का, आप बोल रहे हैं बीजेपी का। ना बीजेपी का, इसलिए हम नहीं ना पैसा लेकर आए हैं क्या? केकरा से? वो है केकरा से? आओ आओ, कौन आओ, कौन आओ। देखो जैसा के पापा है ना, अमित शाह, अमित शाह हमारा तो मिलो भी नहीं है, आपको मिलेंगे भी नहीं। हम बात कर बड़का बड़का न्यूज वाला को देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जैसा के पापा से बोल दीजिएगा। हाँ। बोलिए ना, एक माध्यम से चल जाएगा, चल जाएगा ना। परिपार होने वाले हैं इस बार, पूर्व में भी रहे। अरे वो तो फिर चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, हमको तो लगता है बीजेपी वाले हैं। ना ना, अरे पैसा चले के नहीं ना है। कौन खरीदिए, वो जानते है कौन खरीदता है? इंडिया टीवी, न्यूज 18 इंडिया, जी न्यूज, जातना देखिएगा आज तक उस सब चीज। देखिए हम लोग कट्टर लालूवादी हैं, कट्टर लालूवादी हैं। यहाँ कोई खरीद नहीं सकता है। और यहाँ भारी बहुमत से तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में 40-40 लीड हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। 40-40 जीत रहा है एकदम एकदम। अच्छा एक चीज बताइए, आप कह रहे लालूवादी है, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए, बात दोनों का करना है। वर्तमान सांसद सिग्रीवाल जी है यहाँ, कितना विकास किए हैं? हमको तो नहीं दिखता है, आप बाकी सब लोग से पूछ लीजिए, आप बताइए। अब तो हमको देखने में तो कुछ दिखाई नहीं रहा, बाकी लोग सब लोग से पूछ लीजिए। कहते हैं सिग्रीवाल जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं आकाश सिंह को, उनका दिखाई नहीं देता है कि कितना विकास हुआ है। उनको दिखाई देता है तो इन लोग पूछ रहे 10 साल में कोई देखा है? हाँ। एक ही चीज उनका वोट दिखाई देगा, छठ घाट पे जाइएगा। हाँ। तो कहीं कहीं दिखने को मिलेगा, बाद बकिया कहीं नहीं दिखे। सिग्रीवाल जी खाली कोजिया खाने आते हैं। विकास के काम, विकास के काम में नहीं आते हैं। अच्छा बिया वाला खाते हैं? अरे बहुत बहुत कम। सिग्रीवाल जी को जो आदमी है तो उन्हीं के पास जाते हैं और दूसरे के पास नहीं थे। खाली घूम घूम कजिया खाने में रहते हैं, विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। अब तक हम लोग का सहनीय दर्शन में कहीं रोड नहीं बना है, आज तक हम लोग कहीं उनको देखा, चेहरा भी नहीं देखे, इसी के लिए वो है। अच्छा, घूम जीतेंगे तो आपके सहनी में कब कजिया खाने आए? अरे बहुत बार, उसी के लिए स्पेशल है, उसी के लिए आते अच्छा, हैं उसी के लिए बने। और कुछ के लिए और काम के लिए बुलाइएगा, नहीं आएंगे। क्लियर, उसी के लिए आएंगे। चाचा के करा का वोट दे रहे हैं? इंडिया लाइन्स के यहाँ कौन प्रत्याशी है? आकाश कुमार सिंह। आकाश कुमार सिंह, तो आप वो तो हमको लगता है कि बहुत सारा सांसद बनते बिगड़ते अपना उम्र में देख लिए होंगे। देख लिए ना, दो बार से आपके यहाँ पे सिग्रीवाल जी है, एनडीए की सरकार है, यानी के दो टर्म से है, 14 से लेकर 24 तक। आने से पहले कहा गया था कि साल में 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, सब आया? बिल्कुल जुमला था। अच्छा, इस बदलाव के लिए हम लोग इंडिया अलायंस का वोट करेंगे। इस पंचायत से रिकॉर्ड मत से आकाश कुमार को विजयी बनाएंगे, रिकॉर्ड मत से। चाचा कहने दे रहे हैं इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस को दे रहे हैं, कितना वोट से जिता रहे हैं? रिकॉर्ड मोड से जीतेंगे, रिकॉर्ड मोड से जिताइएगा ना। पहले आप ये ना पूछिए क्यों आप इंडिया अलायंस। हाँ, मुद्दा का है, मुद्दा क्या? मुद्दा का मुद्दा है संविधान बचाने को, गणतंत्र बचाने को, मोदी को भगाने को। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे 14 में कि कांग्रेस साफ करेंगे, 14 में आया वो 24 में नहीं रहेगा, ये तो क्लियर हो गया। मतलब 10 साल में गायब, मोदी जी गायब हो गए हैं, इसलिए यहाँ से इस पंचायत। अच्छा, आपका उम्र हमको लगता है 60+ होगा। 60+ होगा, बहुत सरकार देखे होंगे। एक चीज बात किया जाता है, 60 से ऊपर जो लोग थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनको छूट मिलता था, रिजर्वेशन, यानी कि रेलवे वेलवे में सफर करते थे। अब मिलता है कि ना मिलता है? बंद कर दिया है, मोदी आया है तो बंद कर दिया, बंद कर दिया। नागरिक को मिलता था 2600 करोड़ रुपया का फायदा हुआ है एनडीए सरकार को, इसे जानते हैं? 2600 करोड़ का फायदा हुआ सिर्फ रिजर्वेशन। ये जो है इंडिया अलायंस जो है, मोदी जो है चंदा चोर है। 2600 करोड़ का चंदा चोरी कर लिया है। मान लीजिए कि
170 साल से कह रहा है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, और मोदी 10 साल में दुनिया का सबसे धनी मनी पार्टी बना दिया भाजपा को, कहाँ से ये पैसा आया? सब 5 स्टार हो एकर एथी खुलल है कार्यालय। जी हाँ, सब कार्यालय खुला हुआ है। अडानी अंबानी को सब पैसा दे देता है देश का, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कह रहा है कि जो भी पैसा है जो अडानी अंबानी को देते हैं हम जनता को देंगे, इसलिए हम इंडिया एलायंस को जिताएंगे, आकाश कुमार सिंह को जिताएंगे, उसी को। देखिए आइए इधर, और भी युवा साथी है, मैक्सिमम युवा है, क्या कहिएगा, किसका वोट दे रहे हैं? आकाश कुमार सिंह के। क्या कुछ स्पेशल है आकाश में? स्पेशल है क्या, कुछ बताइए। 2014 में जब आए थे मोदी जी तो वादा किए 2 करोड़ रोजगार, ढेर हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार बोले थे। एक सिलेंडर वाली बाई भी आई थी, बाई हाँ सिलेंडर वाली स्मृति ईरानी, वो मुंडी पर सिलेंडर लेके घूमती थी, बोलती थी कि आगे 400 सिलेंडर था तो उनको महंगाई नजर आता था, अभी जब 1200 हुआ तो उनको डाइन नजर आ रहा है, भौजाई नजर आ रहा है, पहले डाइन नजर आता था, 400 था तो उनको महंगाई लगा जाता था। सरसों तेल देखिए या किसी भी चीज देखिए, देश में जवान की मार है, हाँ वैसे किसान भी परेशान है, देश में जवान परेशान है, खेत में किसान परेशान है, हर जगह परेशान है। 700 किसान शहीद हो गए, किसान भी शहीद हुए, प्लस में आप स्लीपर में भी जाइएगा तो आज का जनरल स्लीपर सब बराबर है, पहले जनरल स्लीपर। मोदी जी कह रहे हैं वंदे भारत ट्रेन खोल रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन खोलेंगे, टाइम से तो खोल दे, बोले थे वंदे भारत भी खोलेंगे, बोले थे बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन लाइन मोदी ने बेच दिया, बोले कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, हाँ तो बेच कहाँ से रहे हैं? BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बेचा बाकी क्या है? गेल बेचा भेल, हाँ गेल बेचा सेल बेचा, फौज तक के लिए नहीं छोड़ा, फौजों को बेच रहा, फौज को बेच दिया, जब 4 साल के लिए तो बच्चा कहाँ है फौज? अब बोल रहे हैं ना फौज, फौज बच्चा कहाँ है 4 साल के फौज? आजकल फौज की वो हालत हो गई है ना कि पहले जो फौज 4 आदमी जो काम करता, आज अकेला काम करना पड़ रहा है, फौज को पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है, अग्निवीर लाने से फायदा है क्या? फायदा है जब आप 75 साल के बुढ़े होके देश चला सकते हैं तो 22 साल के नौजवान कैसे रिटायरमेंट होता? अच्छा कह रहे हैं भाजपा वाले मोदी जी कह रहे हैं कि अरे राम मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए, वो बात सही है आपकी, 70 हटाने से राम मंदिर बनाने से पेट नहीं पलता, आपको रोजगार से पेट पलता है, आप रोजगार नहीं दीजिएगा तो किस हिसाब से पेट पालिएगा? हैं आप बताइए, जब बोल रहे हैं कि रोजगार दीजिए, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात तो किया, आपने महंगाई की बात की थी, जब आया था तब महंगाई, जैसे 14 में आए हैं 24 में जाएंगे, 10 साल के लिए, हाँ आप बोले कि भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी की बात हो रही है, हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री वो सबसे भ्रष्टाचारी है, आपके पार्टी में आते हुए वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, जैसे विपक्ष में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, जो आपसे कड़वी सवाल पूछे वो भ्रष्टाचारी, और जो आपसे आपके पार्टी में मिल जाए, आपको हेमंत बिस्व शर्मा हो गया, ये कौन सा एक रेड्डी आया हुआ कर्नाटक का, रवंता रेड्डी, इतने केसेज है आते, भ्रष्टाचारी खत्म, वॉशिंग मशीन में ढूल गए, 80 करोड़ के घोटाला किया था कौन? अजीत पवार, बोले चक्की पिसिंग चिसिंग बोल रहे थे ना, जैसे उनके पार्टी मिल गया, नेक दिन वॉशिंग मशीन में ले गए, डुबाए धोल के बस झुका दिए, साफ हो गया। तो वही है बीजेपी के अस्तित्व, यही है, उनको बोलते हैं 400 पार, हमारे गाँव में कुर्सी भी बेचते हैं 400-600 बोलते हैं, जैसे जैसे दाम बोलते जाएगा आगे 150 में भी दे के जाते हैं, 150 में देके जाते हैं, तो 150 में नहीं 120 भी नहीं आएगा, 150 तो ज्यादा ही हो गया, 120 में सिमट जाएंगे, आप देखते रहिए। देखिए खाली बोलते हैं बकर बकर बोलना, जुमलेबाजी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई, ये नारा आया था, लेकिन अभी कहानी क्या हो गई है, भैंस लेके जाएगा, मुद्दा है क्या है उनके पास ना? मुद्दा पढ़ाई की है, दवाई कमाई सिंचाई और पढ़ाई, ये मुद्दा है इंडिया गठबंधन की, यही मुद्दा है, 1 लाख युवाओं को रोजगार दे रहे हैं आप, दे रहे हैं ना, लेकिन उन्हें बोला 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, लेकिन इंडिया अलायंस ने कभी नहीं बोला 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उन्हें 30 लाख बोला है क्योंकि 30 लाख सरकारी पदे खाली है, लेकिन 2 करोड़ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? कि 2 करोड़ जुमलेबाजी हो जाएगी, उन्होंने जुमलेबाजी बोला, 15-15 लाख खाते में आएंगे, पूछिए किसी के खाते में आया क्या 15 लाख? नहीं आया ना, नहीं आया ना, आया किसी के तो पूछिए, 15 लाख नहीं आया। आपका आया कि ना? हमारा तो नहीं आया, नहीं ना, हमारा तो 5,000 भी नहीं आया, 15 लाख की बात कर रहे हैं, और रोड कहीं देखिए, रोड कहीं भी ठीक के ढंग का नहीं बना हुआ, ना रोड बना है ना कुछ बना है, सब चीज तो महंगाई होते जा रहा है,
देखिए ये युवा है और युवाओं के अंदर किस तरह से आक्रोश है वर्तमान सरकार यानी कि एनडीए सरकार को लेकर के, कि सरकार 14 में आने से पहले किस तरह से वादा किए थे और 24 में ये सरकार जा रही है, ये इन लोगों का कहना है। खैर आने वाला समय यानी कि 4 जून को रिजल्ट आ रहा है और 4 जून तय करेगा कि क्या देश में इंडिया की सरकार बन रही है या फिर एनडीए की सरकार बन रही है। खैर चलिए कॉमेंट करके आप बताइए आपकी क्या राय। जय हिंद।